नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजना चौहान। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, जब आपके पास कोल्ड क्रीम या नाइट क्रीम या डे क्रीम, कोई भी क्रीम जब आप लगाते हैं, जब आपके पास ख़त्म हो जाती है, तो आप क्या करते होंगे? फिर से बाहर से क्रीम मंगाते होंगे। लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि अगर आपके पास घर पे क्रीम ख़त्म हो जाए, तो आप घर पे ही बनाइए, बाहर से क्रीम बिल्कुल भी मत मंगाइए। घर पे जो क्रीम बनाएंगे, आप अपनी मर्ज़ी से जो कुछ चाहेंगे उसमें ऐड कर सकते हैं। और बाहर पता नहीं क्या ऐड है, क्या मिला है, क्या नहीं मिला है, आपको कुछ पता नहीं है, ठीक है? तो घर पे ही एक बेस्ट क्रीम बनाइए, जो कि आप दिन में लगा सकें, चाहें तो आप रात में भी लगा सकते हैं। और बढ़िया सा क्रीम बनाइए, सब कुछ डाल के बनाइए। किस तरह से बनानी है क्रीम, आज मैं आपको बताती हूँ। चलते हैं वीडियो की तरफ। और जो मैं क्रीम बनाने जा रही हूँ दोस्तों, अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। आपका एक लाइक मुझे अच्छे अच्छे और मैं अच्छा अच्छे काम आपके सामने लेकर आऊँगी। लीजिए एक कटोरी, कांच की कटोरी ले लीजिए इस तरह से, ठीक है? अब दोस्तों, आपको जो है बेस बनाने के लिए तो एलोवेरा जेल चाहिए ही चाहिए। कोई भी क्रीम आप बनाएं, चाहे कैसी भी क्रीम बनाएं, ठीक है? तो मैं आज इसमें ले रही हूँ थोड़ा सा सनस्क्रीन, ठीक है? तो ये है जो है लक्ष्मी की है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसमें डाल लेती हूँ। तो हो सकता है कभी कभी क्या है ना, कि जब आप खाना बनाने जाएं, तो जो ये क्रीम बना रहे हैं तो आप इसको लगा लीजिए, तो आपके जो आँच से आपका चेहरा बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होगा। जैसे सब्जी बना रही हैं, तड़का दे रही हैं, तो वो सब धुआं आपके चेहरे पे आता है। तो इसको मिला करके क्रीम बनाएं और इसको लगा करके आप किचन में जाएं, ठीक है? तो मैं इस तरह से क्रीम बना रही हूँ। इसमें बहुत थोड़ा ही निकलेगा, ज़्यादा नहीं होगा इसमें दोस्तों, लेकिन जो निकले मैं निकाल लूँगी, ठीक है? काफ़ी निकल आया है। तो ये है सनस्क्रीन, ठीक है? सनस्क्रीन लेना है। उसके बाद जो है इसमें एलोवेरा जेल बहुत कम है, तो मैं सोचती हूँ जो है वो मैं ले ही निकाल लेती हूँ आज पूरा। एक चम्मच से ज़्यादा है ये। अच्छी सी क्रीम बनाइए घर पे, ठीक है? अब एक चम्मच देखिए भर करके ये वाला एलोवेरा जेल हो गया है, थोड़ा सा मैं ऊपर करती हूँ, ये वाला जेल हो गया है। और जो है एक चम्मच भर करके आप जो है ये जो है केसर चंदन वाला ले लीजिए, ठीक? इसकी महक दोस्तों बहुत ही अच्छी होती है, बहुत अच्छी इसकी महक लगती है। और एलोवेरा जेल लगाने के फ़ायदे तो आप जानते ही हैं, आपका चेहरा हमेशा मॉइस्चर रहता है, दाग धब्बे भी कम होते हैं, और धूप की जो किरणें होती हैं वो आपके पूरे स्किन तक नहीं आ पाती हैं, क्योंकि इसका लेयर लगा होता है। तो एक चम्मच भर करके ये ले लीजिए, ठीक है? ये ले लीजिए, बढ़िया से क्रीम बनाइए। एक एक चम्मच दोनों हो गए, आधा चम्मच था सनस्क्रीन, ठीक है? अब इसको मिला लीजिए। अब इसमें डाल दीजिए बादाम का तेल, ठीक है? या तो विटामिन ई कैप्सूल डालें, विटामिन ई, और या अगर आप विटामिन ई कैप्सूल नहीं है तो आप बादाम का तेल डालें, सबसे बेस्ट है। ये तेल मुझे बहुत पसंद है दोस्तों। ये डाल दीजिए एक चम्मच। ये क्रीम, इस क्रीम से बढ़कर मैं किसी भी क्रीम को नहीं समझती हूँ, चाहे बाहर का जितना भी अच्छी क्रीम हो, मुझे सबसे बेस्ट यही लगती जो मैं बनाती हूँ। एक चम्मच नारियल तेल डाल दीजिए दोस्तों। चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, लेकिन जो है चेहरे पे चिकनापन लगा होना, कोई ऑयल लगा होना, कोई कोल्ड क्रीम लगी होनी बहुत ज़रूरी होती है। चेहरे को हमेशा ड्राई बिल्कुल भी ना रखें, कुछ ना कुछ चेहरे पे अपना चिकना ज़रूर लगाएं, ठीक है? अब इसकी मिक्सिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छी तरीके से करनी होगी। अब इसमें क्या डालना है दोस्तों, इसमें जो है मैं डालूँगी विटामिन सी सीरम। अगर विटामिन सी सीरम आपके पास है तो आप डाल दीजिए, अगर विटामिन सी सीरम नहीं है तो आप ना डालें, क्योंकि मैं अलग अलग कोई चीज़ नहीं लगाना पसंद कर रही हूँ इस समय, क्योंकि काम बहुत हो जाता है, तो मैं सोचती हूँ एक ही चीज़ में सारा काम हो जाए, तो मैं डाल ही दे रही हूँ। विटामिन सी सीरम दोस्तों आपके चेहरे के लिए एक वरदान है। चाहे दाग धब्बे हों, चाहे मतलब झुर्रियाँ पड़ी हों, चाहे रिंकल आ जाए, कुछ भी आ जाए, अगर अच्छा सा विटामिन सी सीरम आप ले रहे हो, अगर आपके पास पैसा है तो आप ले रहे हैं,
तो फिर आपको और कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इससे काफ़ी कुछ जो है स्किन की प्रॉब्लम हल हो जाती है तरह से। लेकिन मुझे ये क्रीम कम लग रही है क्योंकि मैं बार बार ये सब चीज़ें डाल के बना नहीं पाती हूँ, तो मैं एलोवेरा जेल जो है मैं और डालूँगी, क्योंकि मुझे ये क्रीम बहुत पसंद है और मैं ये अपने लिए ही बना रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही बना लूँगी। ठीक है, तो इतना मैं और डाल दे रही हूँ, करना अच्छा लगता है। ठीक है, या तो किसी की मेहनत देख करके, जैसी आपकी मर्ज़ी हो, मैं तो रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी। ठीक है, तो ये बन गई बढ़िया सी क्रीम दोस्तों, और इसको मैं भर लेती हूँ उस तरह की डिब्बी में। बन गई मेरी एक महीने की क्रीम बढ़िया। इसमें और डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए कितनी बेस्ट क्रीम बनी है। इसको ढक्कन लगा के रख दीजिए, मैं लगा के दिखाती हूँ आपको हाथ में। अब इस क्रीम का क्या पूछना है ना दोस्तों, बहुत ही अच्छी है, इसमें ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है जो नहीं है, इसलिए आप इसको लगाइए। ठीक है, बन गई ना दोस्तों, देखें कितनी अच्छी सी क्रीम तैयार हो गई आपकी एक महीने की। ठीक है, तो इसी तरह से क्रीम बनाइए और दोस्तों लगाइए, और बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस तरह से लगा लीजिए, लगा के थोड़ा सा मसाज करिएगा, मसाज करके छोड़ दीजिए, दोपहर में लगाइएगा जब खाना बनाने जा रहे हैं तब। बाय बाय दोस्तों।